हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे मंचूरियन। मंचूरियन बनाएंगे हम फूल गोभी से। ये मैंने एक गोभी ले लिए, इसको धो के अच्छे से सुखा दी थी मैंने, पानी सारा निकाल लिया है। इसको सबसे पहले हम कद्दूकस करेंगे, मतलब बारीक बारीक घिस लेंगे इसको। तो इस तरीके से पूरी गोभी लेके इसको घिस लेंगे। मिक्स वेज के तो मैंने कई बार मंचूरियन बनाया है, लेकिन इस बार मैं फूल गोभी के मंचूरियन बना रही हूँ। तो पहले इसको बिल्कुल बारीक घिस लेंगे अच्छे से। इतनी बारीक करनी है हमने, जितनी बारीकी हो गई है। गोभी हमने सारी घिस ली है, बिल्कुल बारीक घिस ली है। अब इसको हम एक बाउल में कर लेते हैं इस तरीके से, कि बाउल में क्या मिलाने में आसानी होगी। इस तरीके से एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिर्ची यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों ने खाना है। तो चिली फ्लेक्स डाल लिया हमने इसमें। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम कलर डालेंगे, रेड कलर जो होता है, ये जो फूड कलर होता है, ये डब्बी वाला, ये डालेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और इसको बिल्कुल टाइट रखना है। थोड़ा करके मैदा डालेंगे और इसको मिलाएंगे अच्छे से। पहले हम 2 चम्मच मैदा डाल लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं। वहीं हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब। अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि गोभी के अंदर काफ़ी पानी होता है, तो पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऐसे मिला लेंगे जब मंचूरियन हमारे थोड़ा टाइट बने इस तरीके से। अगर आपको लगता है थोड़ा सा गीला तो मैदा इसमें और डाल सकते हैं। इसको मिला के फिर एक बार बना के देखेंगे मंचूरियन हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो अगर बना ले मिला लेते हैं पहले अच्छे से। 1 चम्मच करीब मैदा और डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा करके मैदा डालो, ज़्यादा रहेगा तो फिर बेकार लगेंगे मंचूरियन। बिल्कुल टाइट सा रखना है हमने। अब इसको हाथ से मसलेंगे हम। थोड़ी सी इसमें हम प्याज डाल लेते हैं, ये चॉप करी हुई, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा इससे, प्याज से। अब इसको इस तरीके से हाथ से मिलाएंगे। अभी हमारा तैयार हो गया। अब इसके हम मंचूरियन बनाएंगे। मंचूरियन बनाने के लिए हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से, और छोटी छोटी इस तरीके से लोई लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी, और इस तरीके से ऐसे राउंड करके एक हम प्लेट में रखते जाएंगे इस तरीके से। फिर हम इकट्ठे फ्राई करेंगे। हमने बॉल सारी बना लिए मंचूरियन की, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तब मंचूरियन फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, धीरे धीरे मंचूरियन डाल देंगे इसमें जो बाउल है। तेल मैंने हल्का गर्म ही करा है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देंगे।
पहले इनको एक तरफ से हल्का सा पकने देंगे, तब इनको पलटेंगे। अब पलट के देखते हैं, एक तरफ से हो गए हल्के से, अब इनको सबको पलट देते हैं। ज़रूरी नहीं कि मिक्स वेज के ही बनाने, आपका जो सब्जी उससे भी मंचूरियन बन सकते हैं, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। पहले हम सोचते थे मिक्स सब्जी है तो हम मंचूरियन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको धीरे आंच पे पकने देते हैं। मंचूरियन हमारे फ्राई हो गए हैं, एकदम अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेते हैं। आज हम ड्राई ग्रेवी बनाएंगे, मतलब ड्राई मंचूरियन बनाएंगे, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करेंगे, हल्की सी ग्रेवी करेंगे बिल्कुल। अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। इसलिए इसमें हम डालेंगे पहले प्याज, साथ साथ उसमें डालेंगे गाजर, झटपट से बनाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चम्मच के करीब, गाजर प्याज को साथ के साथ भून लेंगे। अब इसी के साथ हम डाल देंगे हरी प्याज, थोड़ी सी पत्ता गोभी, ये साथ साथ भून लेंगे। पत्ता गोभी ना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्रंची रखेंगे। जब सब्जी भुनेंगे गैस के फ्लेम तेज कर लेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी ग्रीन चिली एक चम्मच के करीब, थोड़ी सी में डालेंगे रेड चिली, टमाटो सॉस, थोड़ा सा इसमें सिरका डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सोया सॉस, सब चीज़ को मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, नमक कम ही डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें। बिल्कुल ज़्यादा से दो बूंद पानी डालेंगे इसमें, इसी कटोरी से दो चम्मच पानी डाल दें। अब हल्की सी सब्जी पकने देते हैं। अब ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, हम इसमें मैदा वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। अब इसमें मंचूरियन डाल देंगे सारे, अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल ड्राई बनाया हमने, ये हमारे बन के रेडी हो गए हैं। गैस बंद कर देंगे। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, दोस्तों का शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। ब
बाय बाय।